Good morning, students. Today I will teach you the science chapter number 7, rocks, minerals and soils, and page number 74, metamorphic rocks. Metamorphic rocks are formed either by intense heating up or stressing of the earth crust. ये जो metamorphic rocks है, ये कैसे form होता है? ये heating जब गर्म हो जाता है और जो stressing हो जाता है earth crust, तब होता है ये तैयार. It is the transformation of the existing rock and the chemicals in it. ये इसका जो transformation है, जो change होता है existing rock, जो rocks बाहर में रहता है उससे, और इसके अंदर जो chemicals रहता है वो change हो जाता है. और इसके लिए इसका chemicals change होने के नाते इसका जो shape है और form है ये भी change हो जाता है, ये metamorphic rock से, क्योंकि ये heating से तैयार होता है. Most metamorphic rocks were either igneous or sedimentary rocks. ज़्यादा से ज़्यादा metamorphic rocks ये दोनों तरह के rocks के अंदर होता है. The different types of metamorphic rocks are. Metamorphic rocks का कोई बहुत सारा differentiate होता है. ये कौन कौन सा है ये discuss करेंगे. तो इसका अंदर जो chemicals है ये change होने के साथ साथ इसका form और shape भी change हो जाता है. ये बहुत important है. Now the slate. ये one type of metamorphic rocks है. ये देखो slate का picture दिया हुआ है. It breaks into thin layers. ये इसका जो layers है बहुत ही पतला है and it's made from shale. और ये shale से तैयार हुआ है. ये sedimentary rock है. It is usually dark in color. ये इसका color बहुत घना है, dark है and is used for making slate, bricks and also cement. ये जो slate है ये क्या क्या bricks, ये जो slate और जो cement है ये जब तैयार होता है इसमें ये use होता है. Gneiss. It is formed from ग्रेनाइट एंड हैज गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिप्स. ये ग्रेनाइट जो पत्थर होता है ना, ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिया ग्रेनाइट. ये जो हमारा मार्बल होता है ग्रेनाइट, कहाँ कहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर होता है, ये जो ताजमहल है बड़ा बड़ा जगह में वो इससे तैयार होता है. और इट इज यूज टू बिल्डिंग स्टोन. और हमने जो कहा मैक्सिमम टाइप के बिल्डिंग तैयार होने में ये ग्रेनाइट पत्थर और ग्रेनाइट रॉक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है. ये बहुत ग्लॉसी भी होता है. मार्बल. मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक. मार्बल तो तुम लोग जानती हो, घर में फ्लोर में हम सब मार्बल बिठाते हैं. फ्रॉम द सेडिमेंटरी रॉक लाइमस्टोन. इट इज फाउंड डिफरेंट कलर्स. मार्बल का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है, बट व्हाइट मार्बल इज द मोस्ट कॉमन, क्योंकि फ्लोर मैक्सिमम फ्लोर में व्हाइट मार्बल ही यूज होता है. इट इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स. स्टैचू और बिल्डिंग में ये यूज होता है. व्हाट वाज इट, ये देखो ग्रीन कलर का. इट इज ए हार्ड स्टोन. ये बहुत ही हार्ड स्टोन है, सख्त है. मेड फ्रॉम सैंडस्टोन. सैंडस्टोन से तैयार हुआ. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचू, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स. ये ज्वेलरी, स्टैचू और ऑर्नामेंट्स तैयार होने में ये बहुत ही यूज होता है. मिनरल. सम नेचुरल प्रोसेस विद इन द अर्थ फ्रॉम मिनरल्स. कुछ नेचुरल प्रोसेस से मिनरल्स अर्थ में तैयार होता है. ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स. सब जो रॉक्स है ये सब मिनरल्स से तैयार होता है. दे आर अंडरग्राउंड नेचुरल सोर्सेस. इसका जो सोर्सेस है ये अंडरग्राउंड में, अर्थ क्रस्ट पे नीचे जो अंडरग्राउंड है उसका जो नेचुरल सोर्स है इससे ये तैयार होता है, नीचे रहता है. सॉरी, मिनरल्स अंडरग्राउंड सोर्स में ही रहता है ये, और ये नेचुरल सोर्स है. सम मिनरल्स आर मेटालिक वाइल सम आर नॉन मेटालिक. कुछ मेटालिक है, कुछ नॉन मेटालिक है. व्हाट इज मेटालिक मिनरल्स. सम कॉमन मेटालिक दैट we use in our daily life, iron, gold, silver, copper and aluminium. ये iron, silver, copper, aluminium ये common metallic minerals है, ये हमारा daily life use होता है. Precious metals like gold, silver and platinum. ये बहुत ही expensive है, जो gold, silver, platinum हम जो ornaments use करते हैं उसमें use होता है. For making jewelry, wild metals like iron, copper and aluminium are used for making wares. जब वर्ड्स तो तैयार होता है तब ये जो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम जो मिनरल्स है ये वहाँ पे यूज़ होता है. इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आर आल्सो यूज्ड इन बिल्डिंग. हमारा बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स तैयार होता है, जो वायरिंग होता है, ये सब में ये एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन जो है ये इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें ये सब यूज़ होता है. और जो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो बहुत एक्सपेंसिव मिनरल्स है वो हमारा जो कीमती ज्वेलरी है, ये देखो गोल्ड, ये देखो गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कॉपर ऑर्नामेंट्स ये सब. और ये देखो एल्युमिनियम फिक्सर, इसमें एल्युमिनियम यूज होता है. ये ऑर्नामेंट्स, एक्सपेंसिव कीमती ऑर्नामेंट्स में ये गोल्ड, आयरन और कॉपर, सॉरी गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम यहाँ पे यूज होता है. सो आपको दिस, थैंक यू.